अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, इस शो में कॉल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को सोशल मीडिया पर देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच। आप सारे आई होप यू आर ऑल लॉकड ऑन। सो अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी, हेलो जी, अपना सवाल पूछें। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं बीवी मोबाइल दसवीं स्टेज है जी। आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही, अगर आप टीवी पे सुनना छोड़ दें मुझसे, बस टेलीफोन पे मुखातिब हो और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें प्लीज। मेरे ख्याल से वो उनकी कॉल ड्रॉप होगी। सर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप कॉल पे आ जाएं तो फिर टीवी देखना छोड़ दें, मुझसे बात कर लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग जी। तारिक भाई, मेरा ना दो सवाल है कि मेरी कज़न है तो शीज़ा ब्रिटिश, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से बुलवाना है। तो मैंने पूछना था कि वो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद पाकिस्तान जा सकती हैं वो, और दूसरा जब वीज़ा लग जाता है तो उसके कितनी देर में हमें ट्रैवल करना होता है, और अगर हम उस ड्यूरेशन के दौरान ट्रैवल नहीं करते वीज़ा लगने के बाद, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। ओके, आप टीवी पे सुन लें मेरा जवाब। देखें, जहाँ तक बात है उनकी ट्रैवल करने की, बिल्कुल कोई ममानत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन से पहले, एप्लीकेशन के दौरान, एप्लीकेशन के बाद वो एनी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर शो की एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, तो कोई भी जो उनकी ट्रैवलिंग है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर होनी चाहिए। मीनिंग के एम्प्लॉयर आपको पता है परमिशन देता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आपकी परमिटेड ट्रैवल है, अपने वो जो छुट्टी आपको मिलती है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो आपकी पे नहीं कटती। तो इस बात का ख्याल रखें, बिकॉज़ अगर उनकी पे कट जाती है एप्लीकेशन डालने से पहले, तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा जो कैलकुलेशन होती है 18,600 की। लेकिन एक दफ़ा जब एप्लीकेशन डल जाती है तो स्टॉप हो जाता है पीरियड, तो वो सिर्फ पिछला पीरियड देखते हैं कि आपने इनकम की रिक्वायरमेंट पूरी की या नहीं। तो अगर वो छुट्टी भी लेके जाती हैं तो दैट शुड बी फाइन, एक दफ़ा जब एप्लीकेशन डल जाती है। आपने सेकंड सवाल बड़ा अच्छा किया कि एक दफ़ा जब एप्लीकेशन मिल जाती है तो, या अप्रूव हो जाती है, तो स्टैम्प कितने अर्से का लगता है? तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो स्टैम्प है वो 3 मंथ्स का लगता है, कि उस 3 मंथ्स के अंदर आपने, होम ऑफिस कहता है आपको कि आप पाकिस्तान से, अगर आप एग्जांपल पाकिस्तान से एप्लीकेशन है, आप यूके आ जाएं और फिर आप लोकल पोस्ट ऑफिस से जाके अपना बायोमेट्रिक कार्ड उठाते हैं जो 2.5 साल का होता है। अब आजकल क्योंकि पाकिस्तान लिस्ट के ऊपर है, और सर्टन लोग कहते हैं कि जी अगर अभी किसी को हमने बुलाया तो होटल में जाके उनको रहना पड़ेगा, बड़े कॉस्टली प्रोसेस है, तो अगर वो 90 डेज़ के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर नहीं आते, मतलब 90 डेज़ का पीरियड होता है, अगर वो इसके अंदर नहीं आते तो फिर क्या ऑप्शन है? तो होम ऑफिस ने ये बोला हुआ है, वो एक 154 पाउंड की एप्लीकेशन होती है और वो आप होम ऑफिस के अंदर डालते हैं, वो आपको एक नया 90 डे का स्टैम्प इशू करके दे देते हैं। अगर आप उस 90 डे के अंदर नहीं आ सकते तो फिर आप दोबारा 154 पाउंड्स दे के एक और एप्लीकेशन करेंगे और फिर वो आपको नया स्टैम्प लगा के देंगे, और जितनी आपको ज़रूरत है विदिन अ रीज़नेबल टाइम फ्रेम आप वो 90 डे की स्टैम्प को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो होम ऑफिस ने कोई उस पर लिमिट नहीं लगाई कि कितनी दफ़ा आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि दूसरी तीसरी के बाद दे गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग के जी चक्कर के आप क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अगर कोविड की वजह से, एंड इट्स क्वाइट क्लियर कि कोविड की वजह से नहीं आ रहे, देन यू कैन गिव दैट रीज़न। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम
जी सलाम जी तारक भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा मैंने क्वेश्चन ये करना था, पहले ये है कि मुझे ना फोन पे ही आंसर दीजिए क्योंकि मैं टीवी का नहीं हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारा ना 7 ईयर बेस पे लगा था बच्चों के साथ, ठीक है, तो अभी हमने एक्सटेंशन ड्यू है हमारी 15 सितंबर को, ठीक है, तो कौन सा बेस्ट टाइम है हमें जो है ना वो अप्लाई करने के लिए एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि ये सुना है कि वो जब अगर फी वेवर जो है ना वो उसके लिए हमने अप्लाई करना है वो कौन सा टाइम है फी वेवर के लिए, तो ये ना हो कि 28 दिन से पहले अगर टाइम आ जाए तो उसका क्या होता है तरीका, अगर वो 28 दिन से पहले ही हमें दे रहे हैं 10 डे का तो टाइम होता है, लेकिन अगर जल्दी जवाब उनका आ जाए फी वेवर का तो उसका क्या प्रोसीजर, ये ना हो कि पहले आ जाए। और दूसरा ये है कि उसमें क्योंकि हम बेनिफिट अभी लेते हैं यूनिवर्सल कार्ड लेते हैं, तो उसमें जो है वो जब हम डालेंगे तो यूनिवर्सल कार्ड वाले बंद तो नहीं कर देते जब तक, यानी कि 3-4 महीने शायद पता नहीं कितना टाइम, मतलब मैं पूछना कितना टाइम में एक्सटेंशन के पेपर वापस आते हैं वीजा ला के, तो उसके लिए मैंने पूछना था कि वो कितना टाइम लगता है ड्यूरिंग दैट पीरियड, आपके सवाल का तो मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। देखें जहाँ तक फ़ी वेवर की बात है, मैं लोगों को कहता हूँ कि 2 महीने पहले एटलीस्ट फ़ी वेवर अप्लाई कर लें, बिकॉज़ आजकल फ़ी वेवर के जवाब 4-5 वीक्स मिनिमम में आते हैं। और एक दफ़ा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर जवाब आपके फेवर में आ जाए और फ़ी वेवर वाले फिर आपको सर्टन वर्किंग डेज़ देते हैं 10 से 15 के, आप अपनी फर्दर एप्लीकेशन डाल दें, आप इस बात की फ़िक्र ना करें कि पीछे 28 दिन रहते हैं या नहीं रहते, बिकॉज़ वो रेलिवेंट 28 दिन ग्रेस पीरियड के होते हैं जब आपके 10 ईयर्स पूरे हो रहे हों। ये जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन हैं इसमें इस चीज़ का मैटर नहीं करता। आप बेशक अगर 2 महीने पहले फ़ी वेवर डालते हैं, फ़ी वेवर वाले आपको 35 डेज पहले ही बता देते हैं कि फ़ी वेवर अप्रूव हो गया, आप बेशक एप्लीकेशन डाल दें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो आपका सेकंड सवाल था ये बहुत अच्छा है कि अगर हम बेनिफिट ले रहे हैं और हम फ़ी वेवर डालते हैं और हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फिर क्या इशू है। देखने में यह आया है कि अगर आप इन टाइम एप्लीकेशन डालते हैं होम ऑफिस को, ये मैं फ़ी वेवर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एक्सटेंशन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ इन टाइम, तो बेनिफिट वाले कोई इशू रेज़ नहीं करते बिकॉज आप टेक्निकली 3C के अंडर कवर्ड हैं। लेकिन अगर आप फ़ी वेवर की रिक्वेस्ट डालते हैं और आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, टेक्निकली बेनिफिट वालों को इशू नहीं रेज करना चाहिए बिकॉज आप होम ऑफिस की पॉलिसी उनको दिखा सकते हैं जिसमें बोला जाता है कि हम आपको टाइम देंगे फिर एप्लीकेशन डालने का। लेकिन कुछ बेनिफिट वाले आपके साथ इशू रेज करते हैं, उसका यही हल है कि आप पहले बेनिफिट वालों से बात कर लें, उनको बोलें कि जी देखें हमने फ़ी वेवर अप्लाई करना है, बड़ी महंगी कॉस्ट एप्लीकेशन डालने की, हम नहीं चाहते कि हमारे बेनिफिट पे कोई इफेक्ट पड़े। बिकॉज देखें एक बात याद रखें कि अगर बेनिफिट वाले कोई इशू रेज करते हैं उसका एक अलग प्रोसेस है कि आपको अपील किस तरह करनी है उसकी, तो उसमें इमिग्रेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्मूथली सब कुछ हो तो बेहतर ये है कि या तो 2 महीने पहले अप्लाई करें फ़ी वेवर के लिए ताकि प्लेंटी टाइम हो और एप्लीकेशन की एक्सपायरी से पहले फ़ी वेवर का डिसीजन आ जाए और आप एक्सटेंशन डाल दें, या अगर आप फ़ी वेवर बड़ा क्लोज टाइम पे डाल रहे हैं वीज़ा एक्सपायर होने से पहले तो फिर बेहतर ये है कि आप बात करें ये बेनिफिट वालों से और उनको एक्सप्लेन करें कि आप क्या करने लगे हैं ताकि कल कोई सरप्राइजेज आपके लिए ना। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे वाइफ मंगाई थी रेफ्यूजी स्टेटस है। सॉरी किसके पास रेफ्यूजी स्टेटस है? रेफ्यूजी इंग्लैंड मंगाई थी। सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझा, मैं सॉरी माय अपोलॉजीज, दोबारा रिपीट करेंगे? रेफ्यूजी स्टेटस में इंग्लैंड वाइफ मंगाई थी। आपकी वाइफ के पास इंडेफिनिट स्टे है? नहीं रेफ्यूजी वो करानी है। अच्छा इनडेफिनिट करवानी है। अच्छा जी करनी है तो उसने केस किया थी तो उन 10 साल का वीजा लग गया। ओके टेंपरेरी वाला वीजा 10 साल का लग गया जी। तो उन वीजा खत्म होने के बाद ऐसे क्या करेंगे, उसका ब्रिटिश पासपोर्ट बनाएंगे या उन कोई अलग तोड़ेंगे? चले मैं जितना समझाऊं मैं उसका जवाब दे देता हूं कि अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो जब आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं। एक दफ़ा जब आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं जिसको इनडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट की जो पहली एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं उसके लिए, यानी कि आप डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई नहीं करते पहले नेचुरलाइजेशन अप्लाई करते हैं।
जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है उसमें कानून ये कहता है कि अगर आप किसी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादीशुदा हैं तो इनडेफिनेट के फ़ौरन बाद आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शादी किसी नॉन ब्रिटिश के साथ है कि उनके अपने पास इनडेफिनेट है या दूसरे वीज़े हैं तो फिर आपको एक साल वेट करना पड़ता है इनडेफिनेट के बाद, और उसके बाद आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन डालते हैं। ये तो रिक्वायरमेंट हो जाती है टाइमिंग की, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की टाइमिंग होती है कि पिछले 10 साल आपका इमिग्रेशन हिस्ट्री क्लीन हो, मीनिंग आपने कभी ओवरस्टे ना किया हो और कानून की कोई खिलाफ वर्जी ना की हो। क्योंकि अगर आपको कोई नॉन कस्टोडियल सेंटेंस लगता है और उस डेट से वो कहते हैं कि आप 3 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो जहाँ तक बात आती है कि अगर आप 10 ईयर रूट पे, तो फिर अंडरस्टूड है कि जब आपके पास इंडेफिनेट आएगा पिछला 10 ईयर का आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होगा, बिकॉज आप 4 एक्सटेंशन ले चुके होंगे। फिर सिर्फ आपने ये देखना है एप्लीकेंट ने कि मेरा स्पाउस ब्रिटिश है या नहीं, अगर नहीं है तो 1 साल वेट करके वो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उस वक्त जब आप नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल रहे होंगे फिर उन्होंने ख्याल रखना है रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट एंड गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट, एंड ऑफ कोर्स अगर इंग्लिश टेस्ट उनका वैलिड नहीं है तो दोबारा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं बात करूंगी लेकिन थोड़ा सा रुक के करूंगी क्योंकि मेरी ना मेंटल कंडीशन जरा वो है कि मेरे आजकल इशू चल रहे हैं, तो शायद आप बुरा ना प्लीज मानिएगा। नहीं, आप बिल्कुल आराम से बात करें, डोंट वरी अबाउट दैट। जी, मैं इधर आई थी 2005 में और 6 या 7 में मैंने अपना केस कर दिया था, तो आज तक सॉरी मुझे आवाज आप कुछ कह रहे हैं मुझे? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा आप अपना टाइम लें और मुझसे बात करें, बोलें। जी, और मुझे ना जब से बस मैं ब्रीफली बताती हूँ केस की आवाज, मतलब 2006-07 में किया था, तब से लेके आज तक केस मेरा रिफ्यूज हो रहा है। ओके। और मेरी मेडिकल बहुत ज्यादा इशू है, किडनी मेरी समझे इधर बच गई है, खराब हो गई थी, मेंटल इशू मेरे काफी ज्यादा चल रहे हैं। अपनी सिस्टर के पास रहती हूँ, इतने सालों से केस कर करके अब हम थक गए हैं, तो अभी रिसेंटली होम ऑफिस से हमने पाकिस्तान से उनको लेटर मंगवा दिए थे सब मेडिकल अच्छे डॉक्टरों के कि इसका इधर इलाज नहीं है। अभी होम ऑफिस से मुझे मेरी तबीयत बेहतर होती है तो उनका लेटर एक आया है कि इसकी ब्रीफ अब तबीयत कैसी है और इसके रेगुलर चेकअप क्या हो रहे हैं और इसकी हेल्थ इशू पता नहीं क्या क्या लिखा कैसी है और क्या ये ट्रेवल कर सकती है कि नहीं। और मतलब उन्होंने मेरे जो यहाँ का डॉक्टर है ना उसको क्या कहते हैं, यहाँ के डॉक्टर है जो कंसल्टेंट जियोलॉजिस्ट है, जी जी, उससे उन्होंने कहा कि हमें लेटर लिख के बताएं कि इसके ट्रीटमेंट क्या चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट में कितनी दफ़ा जाती है, और मैं साल में 2 दफ़ा जाती हूँ किडनी की वजह से, और भी बहुत इशू में मैं ज़ाहिर बता तो नहीं सकती इस वक्त आपको। आप मुझे बताएं कि आप अकेली हैं या आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर भी है जो अप्लाई कर रहा है? नहीं, मैं अकेली हूँ सिर्फ, और मैं अपनी बहन के साथ रह रही हूँ। ठीक है, और आप पाकिस्तान से हैं? जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप टीवी पे मेरा जवाब सुन रही हैं? आप टीवी पे मेरा जवाब सुन रही हैं? बस मुझे एक ये डर एक दिमाग लग गया कि वो ये क्यों पूछ रहे हैं कि मैं ट्रैवल के लिए। ओके, मैं आपको बड़े इत्मीनान से जवाब दूंगा ब्रेक के बाद, तो प्लीज़ आप टीवी पे मेरा जवाब सुन लीजिएगा। मुझे अब बताया जा रहा है मेरे कान में कि हमारा ब्रेक का टाइम है, और क्योंकि मैं आपको डिटेल में आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ आराम से, तो इंशाल्लाह ताला भी हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, इससे पहले मैं कोई और कॉल्स लूँ। सो जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस शो को देते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अब इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक पे जाने लगे, ब्रेक से वापस आके मैं सबसे पहले इनका जवाब दूंगा और उसके बाद वील टेक सम मोर कॉल्स। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे काफ़ी मेंटल इश्यूज हैं और मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है इस वक्त आर्टिकल 8 पे होम ऑफिस के साथ एंड मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, और होम ऑफिस आगे से इंफॉर्मेशन ले रहा है।
देखें, मैंने आपका केस नहीं पढ़ा तो मैं आपके केस के ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता, बिकॉज सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैं आपसे अब एक जनरली एक बात करता हूँ, एंड आई होप कि आपको इस बात की थोड़ी सी समझ आए। अब इससे पहले कि मैं आपका केस डिस्क्राइब करूँ, मैं हमेशा लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालते हैं, स्पेशली मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर या आर्टिकल 8 के ऊपर फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर, प्लीज़ 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 किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से एप्लीकेशन डलवाएं, बिकॉज अगर कोर्ट में जाके आप केस हार जाते हैं बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस या आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होता हो जाती है कोर्ट में, फिर अगर आपका केस अच्छा भी है आगे जाके इश्यूज रेज होते हैं बिकॉज जुडिशियल फाइंडिंग हो चुकी होती है सर्टन फैक्ट्स के ऊपर जिनको फिर हम ओवरटर्न नहीं कर सकते, या अगर हम ओवरटर्न करने की कोशिश करते हैं काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं और काफ़ी हाई थ्रेशोल्ड हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई भी केस अपना फैमिली प्राइवेट लाइफ पे लड़ने लगें, स्पेशली असाइलम के केसेस या प्राइवेट लाइफ वाले केसेस, उस फैमिली केसेस में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बच्चे हैं तो वो एक थोड़ा सा उसका पैटर्न है, बट प्राइवेट केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट लाइफ के ऊपर, तो प्लीज़ कोई बहुत ही कॉम्पिटेंट बंदे से या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ये केस वगैरह करवाया करें। तो अब हम आपके ऊपर आ जाते हैं। देखें, मैं आपकी स्पेसिफिक केस के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मैं एक जनरल व्यू देता हूँ कि लोग नॉर्मली तीन तरह के केस डालते हैं मेडिकल एविडेंस पे या जब उनको डिप्रेशन होती है। एक केस होता है इमिग्रेशन रूल के तहत, एक केस होता है ह्यूमन राइट के तहत, और एक केस होता है मेडिकल आर्टिकल 3 के तहत। तो पहले तो मैं सबसे मुश्किल वाला साइड पे कर देता हूँ, फिर इन दो पे आता हूँ। काफ़ी लोगों को इस बात का पता नहीं है और वो एकदम कहते हैं जी हमने मेडिकल केस डाल दिया है, कि आर्टिकल 3 का थ्रेशोल्ड बहुत हाई है। कोर्ट ऑफ अपील में जो आप समझ लें केस लॉ आया और उसके बाद उसने बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि जी आपकी ट्रीटमेंट आपकी होम कंट्री में अवेलेबल नहीं है, और अगर वो ट्रीटमेंट आपको नहीं मिली आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाएगी। मैंने इस टाइप के केसेस किए और यकीन करें दिल हिल जाता है ये केस करते हुए, बिकॉज आपको पता है कि अगर ये ट्रीटमेंट इस शख्स को नहीं मिलेगी तो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी को आर्टिकल 3 के अंदर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर केस डालना पड़े, बिकॉज यकीन करें दिल हिल जाता है ऐसे केसेस देख के। तो ये तो हो गया मेडिकल ग्राउंड पे आर्टिकल 3 की बात हो रही है। अब आ जाएं जो बाकी दो केसेस हैं, जो एक इमिग्रेशन रूल वाला है और एक ह्यूमन राइट्स वाला है। 2012 में इमिग्रेशन रूल में 2012 में कुछ चेंजेस आई थी, उन्होंने सर्टन ह्यूमन राइट्स को इमिग्रेशन रूल के अंदर डाल दिया था। उसमें जो सबसे पॉपुलर है, जो हर कोई अप्लाई करता है, कि जी अगर बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाएं तो बच्चा अप्लाई कर सकता है, जो हर कोई यूज़ करते हैं पेरेंट्स भी, और उसके तहत वीज़ा लेते हैं। उसमें एक और रूल था कि अगर आपको इस मुल्क में 20 साल से कम टाइम हुआ है, आपने प्रूव करना है कि देर वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स, आप इंटीग्रेट हों अपनी होम कंट्री में। जो वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का फॉर्मूला है वो बड़ा क्लियर हो गया, कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से 2-3 केसेस आए हैं उसके ऊपर, उसके बाद होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है, पॉलिसी को। तो अब मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता बड़े यकीन से, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एटलीस्ट आप वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल को 4 कॉर्नर्स के अंदर देख सकते हैं, यानी कि आप अपने केस को देख के एक प्रॉबिलिटी के तहत ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि आया मैं वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल के टेस्ट, इंटीग्रेशन के टेस्ट को मीट करता हूँ करती हूँ या नहीं। तो उसके लिए आपको बहुत ही किसी कॉम्पिटेंट बंदे के पास जाना पड़ेगा जिनका बहुत एक्सपीरियंस इन केसेस का, ताकि वो आपसे आपका सब्जेक्टिव एविडेंस लेके आपको समझाएं कि आया ये जो 4 दीवारी अभी कोर्ट ऑफ अपील ने सर्टन केसेस के अंदर बनाई है, वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल टू इंटीग्रेट बैक इन टू योर कंट्री, आपका उस 4 दीवारी के अंदर केस बैठता है या नहीं बैठता। और अगर नहीं बैठता तो कौन से ऐसे एविडेंस आप प्रोवाइड करके दे सकती हैं पाकिस्तान से कि आपका केस उस 4 दीवारी के अंदर है, उस बाउंड्री के अंदर है। तो क्योंकि मुझे नहीं पता आपने केस कैसे इनिशियली तैयार किया है, बट होम ऑफिस में भी पूछ रहा है और एविडेंस आपसे टू असेस वेदर आप उस 4 दीवारी के अंदर आती हैं, यानी बिकॉज वेरी सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वह बहुत ज़्यादा डिफाइन हो गया कोर्ट ऑफ अपील के केस लॉस के थ्रू। मैं अब उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर बहुत लंबा केस हो, मतलब कॉल हो जाएगी, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट टू यू। तो ये तो हो जाती है एप्लीकेशन जो इमिग्रेशन रूल के अंदर आप करते हैं। फिर आ जाते हैं जो ह्यूमन राइट की इटसेल्फ एप्लीकेशन होती है, जिसमें आप कहते हैं कि दे आर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से मुझे अंडर आर्टिकल 8 यहाँ दिया जाए, वीज़ा दिया जाए। तो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस भी अगर देखा जाए इन लाइन विद वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, थ्रेशोल्ड इज़ वेरी सिमिलर।
कोर्ट ने ये ऑलरेडी बोल दिया है कि इनमें कोई ज़्यादा बार में डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल के टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो मैं ये नहीं कहता गारंटीड है, बट हाईली लाइकली कि कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस के टेस्ट में भी आप फेल हो जाएंगे। तो दे बोथ गो हैंड इन हैंड। सो इन शॉर्ट, आपका रिलायंस आर्टिकल 3 मेडिकल ग्राउंड पे कम होगा, अनलेस खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि आपको कोई ऐसी बीमारी है कि अगर वो ट्रीटमेंट रुक गई तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट हो जाएगी। आपके बाकी दो हिस्सों में केस आता है जिसमें जो टेस्ट है वो है वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि आप इंटीग्रेट नहीं हो सकते अपनी होम कंट्री में, एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस। ये दो डिफरेंट टेस्ट हैं, लेकिन मैं इनको कंबाइन इसलिए कर रहा हूँ, एक ह्यूमन राइट की इमिग्रेशन रूल के अंदर एप्लीकेशन है और एक ह्यूमन राइट की अंडर आर्टिकल 8 एप्लीकेशन है। टेक्निकल बातें आपको इस पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बट ये समझें कि उस चार दीवारी में आपने अपने केस को लेके आना है। उसके लिए आपको कोई कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए जो आपको वो पहले समझाए कि बार क्या है, फिर देखिए आपका केस और फिर बताए आप उस बार को मीट करते भी हैं या नहीं। एंड दिस अप्लाइज ऑन किसी को भी जो प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन डालना चाहता है। तो आई होप आपको ये बात क्लेरिफाई हो। तो होम ऑफिस ने जो आपसे सवाल पूछे हैं वो ये देखना चाह रहे हैं, असेस कर रहा है केस वर्कर कि आप उस चार दीवारी में वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल टू इंटीग्रेट में आते हैं या नहीं आते। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या मांगा और आपने किस क्वालिटी का एविडेंस दिया है कि देख सकें कि आप उस चार दीवारी में आते हैं या नहीं आते। सो विश यू ऑल द बेस्ट मैम, एंड आई होप कि क्योंकि आपने बोला कि आपको मेंटल इश्यूज़ में आए, आई रियली रियली होप कि यू रिकवर फ्रॉम ऑल दैट। आमीन। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, एक मेरा क्वेश्चन है नेशनलिटी की एप्लीकेशन के बारे में। जी, उसमें एक तो यह है कि जब एप्लीकेशन करते हैं तो कोई मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट आएगी वो तो आपको प्रोवाइड करने ही करने हैं। जी, अब सवाल मेरा यह है कि उसके अलावा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई बोलता है जी उसमें 5 साल की बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, जॉब कार्ड चाहिए और आपको 5 साल रेजिडेंस का वो सारे प्रूफ और वो लंबी चौड़ी लिस्ट तो उन्होंने ऑनलाइन तो मैंने चेक किया तो उसमें है। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ मुझे मशवरा आपसे ये करना था कि बहुत ज्यादा जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वो कौन से होने चाहिए, जैसे टीवी लाइसेंस भी बोलते हैं लगाओ, फोन बिल भी लगाओ और पता नहीं क्या क्या, तो उसमें डिटेल्स है। तो बस मुझे आप, ये तो मालूम करना आप कौन से, आई नो आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करने, नेशनलाइजेशन अप्लाई करने, लेकिन पीछे इंडिया से हैं पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से सर। और कौन से शहर से हैं आप? मैं कराची से। आप माइंड ना करें, थोड़ा मजाक भी कर लूं मैं आपके साथ, जवाब देते देते आपको जोक आ गया यहाँ पर आपके ज़हन में कोई? मैं जोक आ गया इसलिए आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं बोल दूं? नहीं बिल्कुल, मैं बहुत खुशी से। ओके चलिए ठीक है, मैं पहले जवाब देता हूँ। थैंक यू सर। हम लोग कभी कभी मजाक में करता हूँ अपने दोस्तों यारों के साथ, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सारी वकील बन जाते हैं या सारी बैरिस्टर और जज बन जाते हैं इंटरनेट को पढ़ के। तो जब मुझे कोई इस तरह बोलता है, मैं मजाक में ये भी बोलता हूँ जो मुझे जानते हो कि अगर कराची से हैं तो मैं कहता हूँ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अल्ताफ़ हुसैन की भी साथ लगा के भेज देना शुगल में। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भाई भरते हैं नेचुरलाइजेशन की, ख़ासतौर पर बहुत ही छोटी सी चेकलिस्ट आती है, ना घबराएं वो क्या उसमें चेकलिस्ट है, लेकिन मेनली वो आपसे आपका इंडेफिनेट पासपोर्ट और आपके वो मांगते हैं इंग्लिश टेस्ट पासपोर्ट, दोनों टाइप इंग्लिश टेस्ट पासपोर्ट, बायोमेट्रिक कार्ड और कोई भी करंट प्रूफ ऑफ एड्रेस, दैट्स इट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड उस पर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली बोल देते हैं, प्रूफ देते हैं कि यू वर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप बोलते हैं हम पीछे EA सिटीजनशिप का कोई पीरियड गुजारा है तो उसका कुछ अगर मांगना चाहें तो मांग लेते हैं। सो कहने का मतलब है कि प्लीज़ डोंट गो ऑन पीपल क्या बोल रहे हैं, आप सिर्फ प्लीज़ एप्लीकेशन भरें एंड लुक एट द चेकलिस्ट। हाँ ये बात ज़रूर है कि कभी कभी वो बोलते हैं कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है पूरे पीरियड के तो फिर आपको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ता है कि यू आर लिविंग इन द कंट्री, फिर वो थोड़ा सा एविडेंस मांगते हैं कि आपने जो ट्रिप्स हैं फॉरेन मारे हैं या कुछ किया है। अगर पासपोर्ट आप नहीं दे सकते उस पीरियड का तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि यू आर रिजाइडिंग इन दिस कंट्री? तो उस वक्त ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि प्लीज़ एप्लीकेशन डालें, जस्ट फॉलो द चेकलिस्ट, कोई घबराने की बात नहीं। कोई मेरे मुझे भी ज़बानी तो याद नहीं कि हर एक की अलग अलग चेकलिस्ट निकलती है, लेकिन कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपके पास नहीं होंगे। और मैं एक बात हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मांगा जाए प्लीज़ वो दें। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जी हमने ये भी भेज दिया वो भी भेज दिया, आप क्यों केस वर्कर को मजबूर कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा टाइम आपकी एप्लीकेशन पर लगाए? आप ये देखें ना कि उसने अगर दिन में
एग्जांपल देता हूँ, 20 एप्लीकेशंस करनी है, चेक लिस्ट उसके सामने है, वो देखेगा चार पेपर मांगे, चार आपने दिए, बात ख़त्म हो गया। लेकिन आपने अगर 30 पेपर दिए, वो मजबूरन सारे पेपर देखेगा। तो क्यों आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जब होम ऑफिस ने आपसे चार आइटम मांगे हैं, जस्ट गिव दोज चार आइटम। अब हर एक एप्लीकेशन के ऊपर चेकलिस्ट डिफरेंट निकलती है, लेकिन मेजॉरिटी जनरली चेकलिस्ट एक ही निकलती है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, और मेरे ख्याल से लोग डिफरेंट बातें करते हैं कुछ। यहाँ ये होता है ना कि अगर किसी एक ने कर दिया और उस पर वीज़ा मिल गया, तो फिर वो सारों को वही फॉर्मूला बताते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जस्ट फॉलो द चेकलिस्ट एंड आई होप आपकी एप्लीकेशन विल बी फाइन। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाई सलाम जी सर। हेलो, are you listening to me? I am listening to you, sir. You can ask your question and I'll try my best to answer that question. Okay. बात यह है कि मेरी वाइफ यहाँ रहती है, ब्रिटिश है जी, और मैं नीचे आया हूँ और मैं आता रहता हूँ, यहाँ रह रहा हूँ लॉन्ग टाइम से जी। तो अब मैंने रीसेटलमेंट के लिए अप्लाई किया और उन्होंने जवाब दिया कि वी हैव सीन योर एप्लीकेशन बट प्लीज सेंड योर प्रूफ ऑफ योर एड्रेस जी। एक तो ये बात है जी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में मेरे पास स्टेटमेंट है, कुछ मुझे NHS के लेटर्स हैं और कुछ और कुछ रिपोर्टें हैं जो पुरानी है। एक तो ये हो गया जी, तो वो ये काफी होगी। नंबर दो, मेरी वाइफ यहाँ ब्रिटिशर रह रही है, क्या मैं इस दौरान में इसको ज्वाइन कर सकता हूँ अभी? आपकी वाइफ सॉरी क्या है? मेरी नेशनलिटी जर्मन है। नहीं नहीं, वो ठीक, आपने एंड वाला सवाल क्या किया वो मैं मुझे नहीं समझ आया, सॉरी आई डू अपोलोजाइज। एंड वाला जो सवाल था आपका, आखिरी वाला, मेरी वाइफ ब्रिटिश है जी जी, तो मैं जर्मन हूँ, क्या मैं उसको ये सेटलमेंट एप्लीकेशन के अलावा मैं उसको डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जाके कौंसिल होम ऑफिस मैंने इनको ज्वाइन कर लिया है? ओके ओके, मैं आपको, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया सर, आप किस तरफ बोल रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू सर। देखें सर, मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको जनरल सिनेरियो बता दूँ। आप EU नेशनल हैं, अगर आप इस मुल्क में रह रहे थे 30 December से पहले, विच इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, तो फिर आप EU प्री सेटल स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को उन्होंने जून तक टाइम दिया है अप्लाई करने के लिए EU सेटलमेंट, और आप बिल्कुल अप्लाई करें, बट दे वांट टू मेक श्योर कि दिसंबर से पहले यू वर लिविंग इन दिस कंट्री, बिकॉज अगर आप नहीं प्रूव कर सकते दिसंबर से पहले यू वर लिविंग हियर, तो वो कहेंगे कि प्री सेटल स्टेटस के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। प्री सेटल स्टेटस का फ़ायदा ये है, बीइंग अ जर्मन नेशनल सर, कि आपको डायरेक्टली 5 साल का वीज़ा मिलेगा, कोई मसला नहीं है। 5 साल बाद आप सेटलमेंट अप्लाई करेंगे, और सेटलमेंट की अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं है, और प्री सेटल स्टेटस की भी अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। हाँ, फिंगरप्रिंट्स के आप पैसे देते हैं, बट एप्लीकेशन की फ़ी नहीं है। अगर आप अपेंडिक्स FM पे चले जाएंगे बेस्ड ऑन योर वाइफ जो कि ब्रिटिश नेशनल हैं, तो सर पहली तो बात है उसकी फ़ीस है £2,600, और £200 है तकरीबन, राउंड ऑफ कर रहा हूँ सर, £200 है जो आप वो करते हैं फिंगरप्रिंट्स देते हैं, तो ऑलमोस्ट £2,800 होगी। 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, शी मस्ट बी एंड यू मस्ट बी आइदर कम्बाइंड और अलग अलग अर्निंग 18,600, इंग्लिश टेस्ट देना है, और 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, 2.5 साल बाद दोबारा आपने £2,800 देने हैं, फिर 2.5 साल का मिलेगा 18,600, इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी है, फिर सेटलमेंट पर दोबारा 2,800, 2,900, 3,200 आपने देने हैं ऑलमोस्ट, एंड दोबारा आपने इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी है। सो नॉट ओनली जब आप वाइफ के वीज़े पे जाएंगे, बीइंग अ ब्रिटिश सिटीजन आपकी वाइफ, आपको ऑलमोस्ट £7,500 तो इन्हीं 5 साल में लग जाएगा इन दीज 3 एप्लीकेशंस, कंपेयर टू EU नेशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सो मैं आपको गाइड तो नहीं कर सकता, बिकॉज सर आपकी अपनी मर्जी, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मे बी अ पर्सन इन योर पोजिशन, आपके लिए बेहतर है टू पुश देम टू गेट दी प्री सेटल स्टेटस, बिकॉज फिर आपका अपना वीज़ा है 5 साल का सर, कोई खर्चा नहीं आपकी जेब से जा रहा, और 5 साल बाद जब आप सेटलमेंट भी डालेंगे आपको, आई होप उस वक्त कोई फीस ना, और होगी भी नहीं, यू विल बी फ्री में। जबकि इस तरफ अगर आप आएंगे अपेंडिक्स FM की तरफ बेस्ड ऑन योर वाइफ्स ब्रिटिश नेशनैलिटी, तो वो फिर सर ऑलमोस्ट 2,800, देन 2.5 साल बाद 2,800, एंड देन सेटलमेंट के बाद 2,800, और क्या पता उस वक्त फीस बढ़ भी जाए, एंड विद द कैवियर ऑफ के 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट भी मीट करनी, और इंग्लिश टेस्ट भी देना है, सो देयर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू फुलफिल। तो इफ़ इट्स अ चॉइस बिटवीन, आई वुड से अप्लाइंग अंडर प्री सेटल स्टेटस और अप्लाइंग अंडर अपेंडिक्स FM बेस्ड ऑन योर वाइफ बींग ब्रिटिश सिटीजन, यू शुड गो फॉर प्री सेटल स्टेटस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू। हाँ, अगर कोई
एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में इशू हो जाता है प्रीसेटल स्टेटस का, जिसकी वजह से वो आपको नहीं दे रहे. ऑफकोर्स अपील का राइट देंगे एंड यू शुड आस्क अ कॉम्पिटेंट पर्सन रिफ्यूजल देख के भी इसमें अपील के मेरे क्या चांसेस हैं. देन यू कैन जंप ऑन टू द अपेंडिक्स एफएम, फिर देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट आप मीट करते हैं या नहीं करते. सो थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का. मुझे कान में बताया गया कि तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है. ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट. अब लेट्स गो ऑन अ ब्रेक. इंशाल्लाह ताला ब्रेक से वापस आके आई विल टेक द फाइनल सेशन एंड आई विल टेक सम कॉल्स. सो सी यू आफ्टर द ब्रेक. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से. मेरा एक सवाल है, मैं 1990 में आया था. 1990 में स्पोर्ट्स वीजे पर. जी उस वक्त जो है ना मैंने तो नहीं किया था, मेरे फादर लोग ने किया था अपनी नेशनलिटी तो जो स्टे वगैरह अप्लाई की थी. जी तो उसके बाद जो है ना नेशनलिटी मुझे मिल गई थी. मुझे ये याद नहीं है कौन सा महीना था कौन सा ईयर था, वो याद नहीं है. ठीक है जी. अभी मेरी एक बच्ची है पाकिस्तान में दूसरी वाइफ के शादी से. ठीक है उसको मैं अप्लाई बुलाने के लिए जो है ना वो पहले तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि नेशनलिटी की जरूरत है या नहीं जरूरत है अगर उसको बच्ची को बुलाऊँ तो. ठीक है मेरी वाइफ इधर भी है, दूसरी उधर एक जो है उसकी उसमें बच्ची है पाकिस्तान वाली, बुलाना चाहता था तो नेशनलिटी की जरूरत है या नहीं है. अगर है तो मैंने वो जो है ना मुझे मैं अप्लाई करना चाहता था नेशनलिटी तो उसका मुझे ना तो मुझे साल की याद है कौन से साल में मुझे मिली थी, ना मुझे डेट की याद है, ना ही मुझे मंथ की याद है. ये मुझे प्रॉब्लम है बस. और बाकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पासपोर्ट मेरा जो पाकिस्तान का जो जिस पासपोर्ट से मेरा वीज़ा लगा था वो मेरे पास है. उसके बाद जो ब्रिटिश पासपोर्ट मिला था हो सकता है पता नहीं मेरे पास हो या ना हो, मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट जिस पर वीज़ा लगा था वो मेरे पास है अभी. तो वो नेशनलिटी जो मिली थी ना वो मेरे कहीं गुम हो गई है, मिल रही है. मैं पूछ रहा था कि जो ना बच्ची को बुलाने के लिए वहाँ पर जो भी बच्चे हों पाकिस्तान से बुलाने के लिए उनके लिए नेशनलिटी जरूरी होती है कि नहीं होती है. पहला ये सवाल था. और दूसरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ इधर जो मैं बुलाई थी वो तकरीबन उसको जो है ना 2.5 साल का वीज़ा जो है ना मैंने अप्लाई किया हुआ था, वो भी स्पोर्ट्स वीजे पर आई थी तो इधर मेरे साथ रह रही है. तो लास्ट 2 ईयर्स जो है ना मैं उसको जो है ना 2.5 साल का वीज़ा जो होती है ना वो एक्सटेंशन वो अप्लाई की थी. उसमें जो है ना मैं तो अपने हिसाब से जो है ना 18,600 पूरा किया था, मगर वो कहते थे कि जो 18,600 आप पूरी नहीं हुई है, उनने फिर जो है ना 10 साल पर जो है ना रूट पर डाल दिया है. ठीक है तो अभी मैं पूछ रहा हूँ जो अभी दोबारा जो है ना अभी नेक्स्ट इसकी जो अप्रैल जो आ रहा है ना नेक्स्ट अप्रैल नेक्स्ट ईयर उसमें जो है ना इसकी जो है ना लिमिट पूरी हो जाएगी, फिर दोबारा इसका करना है 2.5 साल के बाद. ठीक है ठीक है. तो इस अभी जो है ना इसमें जो है ना मैं 18,600 पूरा करके बैक जो है ना जो 10 साल का उन्होंने रूट डाला हुआ है वो उसमें जो है ना दोबारा कंसेशन हो सकती है या क्या करूँगा मैं जो है किस लिए जो है ना मेरा एक इसमें जो है मेरा बेटा भी है इसमें. ओके इधर जो है मेरा बेटा भी है तो उस लिहाज से या कोई किस तरीके से जो दोबारा में और 5 साल के रूट पर जा सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ या अप्लाई कर किस तरह कर, ये दोनों मेरे सवाल है प्लीज. अगर गौर से सुनिएगा जब मैं आपको जवाब दूंगा प्लीज. थैंक यू भाई. पहले मैं दोनों ही आसान सवाल हैं लेकिन शायद आपको मुश्किल लगे तो मैं बहुत ब्रेक डाउन करके बताता हूँ. तो पहले हम उस पर आ जाते हैं कि आपकी वाइफ इस वक्त 10 ईयर रूट पर हैं जो इधर हैं और आप उनको 5 ईयर रूट पे स्विच करना चाहते हैं. एक बात का ख्याल रखें कि जब अप्रैल में आप उनको 5 ईयर रूट पे स्विच करेंगे तो आपकी क्लॉक 0 से शुरू हो जाएगी, यानी जो पिछला पीरियड है वो आप उस 5 ईयर के लिए ऐड नहीं कर सकते. बिकॉज कानून ये कहता है कि अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो कंटिन्यूसली 10 ईयर रूट पे हों, अगर आप 5 ईयर रूट पे हैं तो कंटिन्यूसली 5 ईयर रूट पे. मैं उसको बड़ी अच्छी आपको एग्जाम्पल देता हूँ. एक शख्स ने अपनी बीवी बुलाई और 5 ईयर रूट पे इधर रखा पहले 2.5 साल, लेकिन पहले 2.5 साल के बाद प्रॉब्लम्स हुई, थोड़ी सी बच्चा था ब्रिटिश था, इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सका वो शख्स और वो बीवी को 10 ईयर रूट पे लेके चला जाता है. ठीक है जी, होम ऑफिस ने 2.5 साल का वीज़ा 10 ईयर रूट पे दे दिया. जब एक और 2.5 साल गुजरते हैं मीनिंग 5 साल पूरे हो जाते हैं, बंदे के पास वापस 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और वो होम ऑफिस को कहता है कि मेरी वाइफ को दोबारा आप 2.5 साल के वीज़े पर डालें. तो इस बात का ख्याल रखेंगे जो पहले 5 साल का वीज़ा उनका लग चुका है जिसमें पहले 2.5 साल
फाइव ईयर रूट पे थे, फिर अगले ढाई साल 10 ईयर रूट पे थे, वो इस ढाई साल के अंदर ऐड नहीं हो सकते फॉर द फाइव ईयर्स. उनको ज़ीरो से, यानी कि जब भी आप स्विच करेंगे, ज़ीरो से आपका जिसको हम उर्दू में कहते हैं मीटर शुरू हो जाएगा. तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि पिछली कितनी एक्सटेंशन आपकी वाइफ की हो चुकी हैं. बिकॉज अगर आप उनको अभी फाइव ईयर पे स्विच करते हैं, ज़ीरो से फाइव ईयर शुरू होता है, यानी कि अगले पाँच साल बाद वो इनडेफिनेट अप्लाई करती हैं, क्या पता उस वक्त तक उनके वैसे ही लीगली 10 ईयर्स पूरे हो जाएँ, बिकॉज वो 10 ईयर रूट पे दो एक्सटेंशन तो करवा चुकी हैं. हाँ, अगर सिर्फ एक एक्सटेंशन हुई है 10 ईयर रूट पे तो फिर, या एक वीज़ा ही सिर्फ लगा है तो फिर ये है कि अगले पाँच साल बाद सिर्फ 7.5 साल पूरे होते हैं. लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे कैलकुलेशन बताई है, मुझे लग रहा है कि उनके 5 साल अब इस अप्रैल में ख़त्म होंगे, और अगर आप दोबारा उनको स्विच कराते हैं फाइव ईयर रूट पे तो फिर दोबारा उन्होंने पूरे 5 साल करने, तो 10 साल बाद वैसे भी वो लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई कर सकती हैं 10 ईयर्स के बाद. तो ये तो इसका जवाब हो गया. सो आई थिंक जो आपका सवाल था कि तारिक भाई मैं पुराने वाले पीरियड को इस पीरियड में ऐड करके अगले 2.5 साल बाद सेटलमेंट अप्लाई कर दूँ कि जी 5 साल पूरे हो गए मुझे स्पाउस वीज़े पर, नो. जब भी आप 10 से 5 ईयर पर आते हैं आपकी क्लॉक ज़ीरो से शुरू होती है. सो इस बात का ज़रा ख्याल रखें. अब आ जाएँ अपने बच्चों के ऊपर जो आपके पाकिस्तान में हैं एक और खातून से. ठीक है, इस्लामिक लिहाज से आपने शादी की, लेकिन ब्रिटिश कानून के तहत लिहाज उसको वो कंसिडर नहीं करते. देखें, पहले मैं आ जाता हूँ बच्चों के ऊपर, क्योंकि अगर आपके कोई बच्चे हैं किसी और खातून से और वो किसी फॉरन, इस आपके केस में बोलता हूँ पाकिस्तान में है, तो आप दो तरह की एप्लीकेशन डाल सकते हैं. या तो बच्चे ब्रिटिश हैं या आपको इमिग्रेशन रूल के अंदर एप्लीकेशन डालनी है. तो पहले हम ब्रिटिश बच्चों की बात करते हैं, वो ईजी है, क्योंकि अगर बच्चे ब्रिटिश निकले तो फिर तो आपको पता है आपको इमिग्रेशन रूल के तहत कोई एप्लीकेशन नहीं डालनी, तो आप काफ़ी हेडेक से बच जाते हैं. अब ये असेस करना कि बच्चे ब्रिटिश हैं या नहीं, तो वो ये देखना है कि जब बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए थे उस वक़्त आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी थी या नहीं थी. तो जो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है उससे मेरी नज़र में तो आप बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त आप ब्रिटिश नेशनल थे या नहीं थे. लेकिन अगर आपको बिल्कुल याद नहीं है कि कब मैं ब्रिटिश नेशनल बना, तो आप अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट निकलवा सकते हैं होम ऑफिस से, फ्री ऑफ कॉस्ट वो एप्लीकेशन है, और वो 30 to 40 days में आपको सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट आपकी दे देंगे, और उसमें क्लियरली लिखा होगा कि आपको नेशनैलिटी कब हासिल हुई. अगर आपको नेशनैलिटी हासिल हुई और बच्चे बाद में पैदा हुए पाकिस्तान में, तो फिर आप उनकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं डायरेक्टली ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, और उसकी एप्लीकेशन का एक प्रोसेस है, एक वो आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता करें तो वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से वो एप्लीकेशन डाल सकती है. लेकिन अगर एट बर्थ वो बच्चे ब्रिटिश नहीं हैं और आपको इमिग्रेशन रूल के तहत उन बच्चों को इस मुल्क में बुलाना है, तो फिर ये नहीं कहता कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन सर्टन हर्डल्स हैं जो आपको पास करने पड़ेंगे. क्योंकि फिर जब आप इमिग्रेशन रूल के ऊपर बच्चों को यहाँ बुलाते हैं, तो फिर होम ऑफिस ये बोलता है कि या तो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चों की, या आपके पास फुल कॉन्टैक्ट ऑर्डर हो बच्चों का और आपकी कस्टडी हो बच्चों की, या दे आर कंपेलिंग अदर कंपेलिंग रीजंस के बच्चे यहाँ आएँ. तो मैं ये नहीं कहता कि बड़ा मुश्किल बन जाता है, लेकिन एक एक तरह से एक स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, एंड दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन दे आर टफ, क्योंकि हमेशा प्रेमिस ये होता है कि बच्चे माँ के साथ रहें. तो कहने का मतलब है कि पहले आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि आया मेरे बच्चे इंटाइटल्ड हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए या नहीं, जो SAR रिपोर्ट से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि आप कब ब्रिटिश सिटीजन बने थे. SAR रिपोर्ट आपको कंफर्म कर देगी और वो आपको पता होगा आपके बच्चे कब पैदा हुए, ऑब्वियसली आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं उनके. तो अगर वो ब्रिटिश सिटीजन हैं बाय बर्थ, तो आप उनका अप्लाई करें, ब्रिटिश पासपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट दें, एंड इंशाल्लाह ताला देन दे डोंट नीड अ वीज़ा टू ट्रैवल हियर बिकॉज दे ब्रिटिश सिटीजन. लेकिन अगर आपको उनके लिए वीज़ा चाहिए, तो बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी पड़ती हैं, और क्योंकि उनकी माँ भी है जो उनको पाल रही थी, तो इट्स क्वाइट, मैं ये नहीं कहता मुश्किल है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके वो रिक्वायरमेंट गो थ्रू करें उनके साथ, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि वो ये असेस कर सकें आया अगर हम एप्लीकेशन उस रूल के तहत डालते हैं आपके बच्चे इस मुल्क में आ सकते हैं या नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच आपकी कॉल करना. आई होप मैंने आपको ब्रेक डाउन जिस तरह दिया आपको ये बात समझ आ गई हो. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम जी. तारिक भाई, मैं यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन हूँ जी, और मैंने अपनी फैमिली का इंडेफिनेट अप्लाई किया सेटलमेंट वीजा पे, फाइव ईयर रूट पे थे जी. 9th of February को अप्लाई किया, तो और 30th of March को उनके सुपर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो हो गए थे जी.
मेरे तीन क्वेश्चन है. अभी आपने जिस तरह पहले साहब को बता रहे थे कि वो इस्लामिक जो हमारी मैरिज नकाह होता है उसको वो नहीं मानते, लेकिन हम जब मैंने इनका इंडेफिनिट अप्लाई किया है तो हमने यहाँ तो कोई भी रजिस्ट्रेशन तो कुछ भी नहीं किया होगा. वो एज इट इज ही जो नकाह नामा था जो पहला भी 2.5 साल का वीजा उसी बेस पे मिला था. पहला सवाल ये कि उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम सब यहाँ पर मेरे बेटा भी और वाइफ भी और मेरी बेटी हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो जो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉय की वो ये कह रहे हैं कि आप कोई प्रूफ दें हमें कि आपने इंडेफिनिट अप्लाई किया और आपके वाइफ और बेटा काम कर सकते हैं. पहले तो वो एक्नॉलेजमेंट लेटर आ जाता था, अभी तो सारा कुछ ऑनलाइन है. और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी जोन सी है वो अब सितंबर के सेशन के लिए यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रही है. तो जब वो स्टूडेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रही है तो पहला क्वेश्चन उनका ये हो रहा है कि आपका क्या स्टेटस है. तो हमने उनको लिख तो दिया है कि इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आया हम उनको होम ऑफिस को लिख सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है तो जल्दी कुछ वो भेज सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 4 मंथ हो चुके हैं. ओके, थैंक यू सो मच. आपके अच्छे सवाल थे सारे. निकाह वाला, एम्प्लॉयर चेकिंग एंड स्टूडेंट फाइनेंस. स्टूडेंट फाइनेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एंड में ज़रा टाइम लगा के बोलूँगा. जहाँ तक बात है, देखें वो कुछ और मुझसे बात कर रहे थे तो मैं उनको ये कह रहा था कि जारी बात है हमारे इस मुल्क का कानून ये है कि अगर आपकी शादी हो जाए तो जो सेकेंड मैरिज है वो पॉलीगैमस है, आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते, ब्रिटिश कानून है. लेकिन पाकिस्तान में लोग आपको पता है शादियाँ करते हैं, तो वो वाले निकाह की मैं बात कर रहा था. बिकॉज देखें अगर आप इस मुल्क में रहते हैं और यहाँ निकाह नामा करें इस मुल्क में तो वो कहते हैं हम इस निकाह नामा को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप पाकिस्तान जाके शादी करते हैं तो वो निकाह नामा उनके लिए एक्सेप्टेबल है बिकॉज आप उस कंट्री में जाके शादी करें और वो आपकी पहली शादी थी, उसको लेक्स लॉ की लॉ भी कहते हैं. सो इन अदर वर्ड्स कहने का मतलब है कि अगर आपकी पार्टनर और आप लोगों ने शादी पाकिस्तान में की और वो निकाह नामा नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है या पुराने ज़माने में निकाह नामा मिलता था, दैट्स फाइन. ये हम वो वाली बात करें कि जो लोग सेकंड मैरिज करते हैं, तो वो एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है जो मैं बात कर रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. अब आ जाते हैं, और मैं बड़ा शौक होता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयर्स को जानता हूँ जो अपने एप्लीकेंट से कहते हैं कि जी हमें प्रूफ दें कि आपको काम की इजाज़त है. मैं क्यों शौक होता हूँ, बिकॉज होम ऑफिस ने स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर्स को बोला हुआ है कि आपने किसी से कुछ नहीं पूछना, आपने सिर्फ अपने एम्प्लॉई से UAN नंबर लेना है एप्लीकेशन का, और ये हमारी वेबसाइट है इस पे आप अप्लाई करें, हम आपको इमीडिएटली बता देंगे कि उनको काम की परमिशन है या नहीं. वो एक सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं और वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है 6 मंथ्स के लिए. और होम ऑफिस ने एम्प्लॉयर को बोला हुआ है कि जब 6 मंथ्स ख़त्म होने लगे और अभी तक उनका वीज़ा नहीं आया, आप दोबारा एक नया सर्टिफिकेट ले लें. तो इसलिए मैं बहुत शॉक होता हूँ जब, और मेरे बड़े वेल नोन एम्प्लॉयर्स को जानता हूँ जो क्लाइंट्स को बोलते हैं कि जी हमें लेटर दिलवा के दें कि आपको इजाज़त है काम की. मैं कहता हूँ होल्ड ऑन अ सेकंड, हाउ कैन समबडी गेट यू अ लेटर जबकि होम ऑफिस ने एम्प्लॉयर के ऊपर जिम्मेवारी लगवाई हुई है कि आपने चेक करना है. तो मेरे ख्याल से मे बी ये जो एम्प्लॉयर्स हैं इनको कानून का इतना अपडेटेड नहीं है एम्प्लॉयमेंट लॉ के बारे में, तो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाके उनको लिंक भेज दें, वो है एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस का, और जो आपने एप्लीकेशन जमा की है उसका UAN नंबर उनको दे दें. वो पहली लाइन या सेकंड लाइन में होता है एप्लीकेशन का, फिर उनको बोलें कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप ये सर्टिफिकेट होम ऑफिस से हासिल करें जो इस बात को प्रूफ करता है कि राइट टू वर्क है जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा, और 6 महीना ख़त्म होने से पहले नया सर्टिफिकेट भी आप ही ने लेना है. इन अदर वर्ड्स जो बर्डन है राइट टू वर्क का वो एप्लीकेंट से हटा के होम ऑफिस ने किस पे डाल दिया है, एम्प्लॉयर पे. ये बहुत बड़ी चेंज आई थी लॉ के अंदर, वेरी सरप्राइज के कुछ एम्प्लॉयज़ अभी तक इसको फॉलो नहीं कर रहे. यानी कि जो बर्डन है काम राइट का वो अब आपके ऊपर नहीं है, आपके एम्प्लॉयर के ऊपर है, बिकॉज ही इज़ द वन हुज़ एम्प्लॉयड अ माइग्रेंट जिसके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन थी. सो दैट इज़ द बेसिस. अब आ जाते हैं स्टूडेंट फाइनेंस पर. मैं क्यों इस पर टाइम देना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे 18-17 की एज पे हैं और उनका इनडेफिनिट आप अप्लाई करने लगे, प्लीज़ गो फॉर द प्रीमियम सर्विस, बिकॉज अगर उनकी यूनिवर्सिटी मिस होगी तो फजूल में उनका 1 साल ज़ाया हो जाता है. क्योंकि जो स्टूडेंट फाइनेंस वाले हैं वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास इनडेफिनेट है तो तब हम आपको स्टूडेंट फाइनेंस देंगे, अदरवाइज नहीं देते. तो उसका फिर हल ये है बच्चों के लिए कि आपको यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी कि जी हमें कोई स्कॉलरशिप दे दें, बिकॉज जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉट ओनली रसल ग्रुप वाली, उससे थोड़ी नीचे भी, बट मोस्टली बिग यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी हैं वो स्टूडेंट को इस तरह जाने नहीं देते बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज. तो अगर स्टूडेंट फाइनेंस स्टूडेंट का थ्रू नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर रेजिडेंसी क्राइटेरिया,
तो आप यूनिवर्सिटी से जब डायरेक्टली एडमिशन वालों से बात करते हैं और डीन से बात करते हैं या जो भी उनका ऑफिसर होता है, एंड इफ़ द आप समझ लो कि द स्टूडेंट इज़ वेरी गुड एकेडमिकली, और मैंने खुद देखे कि दे डू ऑफर स्कॉलरशिप्स जिसमें वो फिर कोई अपना यूनिवर्सिटी का अपना उनके सिस्टम होता है जिसके तहत वो आपकी फीस को कुछ करवा देते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू. रिक्वेस्ट आप बिल्कुल होम ऑफिस को कर सकते हैं एमपी के थ्रू और डायरेक्टली भी, कि जी बच्ची का साल ज़ाया हो जाएगा, एंड होप दे कंपैशनेट इनफ कि वो आपकी बात को सुन लें. मुझे बताया जाता है कि अब हमारा टाइम ख़त्म हुआ शो का. थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग ऑन, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप एवरी वीक देते हैं. प्लीज़ गो ऑन सोशल मीडिया और शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू जो लोग ऑलरेडी करते हैं. अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी इंशाल्लाह.